हेलो यूर्स, वेलकम बैक टू एनर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्लोकी इनू के ऊपर। जी बिल्कुल, देखने की कोशिश करेंगे भाई फ्लोकी इनू किन कंडीशन के साथ हमें देखने को मिल रहा है, किस तरह फ्लोकी इनू मूव करता हुआ दिखाई दे रहा था, वो सारी की सारी जो बातें फ्लोकी इनू के रिलेटेड मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। उससे पहले कि मैं अपनी फ्लोकी इनू की वीडियो की तरह मूव करूँ, अपने टॉपिक की तरह मूव करूँगा, रिक्वेस्ट यू कि आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ भाई। जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, सबसे बेल के आइकन को दबाएं, ताकि फ्लोकी इनू हो, किशू इनू हो, लवली इनू हो या कोई भी कॉइन हो, उनके रिलेटेड कोई भी अपडेट निकल के आए, कोई भी कंटेंट निकल के आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन सारी चीज़ों को मिस ना कर सके। सो यहाँ पे विदाउट बी इन्वेस्टिंग एनी टाइम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ, अपने फ्लोकी इनू की तरफ। दोस्तों पहले हम देख लेते हैं मार्केट क्या रहा, तो हमारा जो बिटकॉइन बायजान है वो आप देख सकते हैं अभी करंटली 0.1% बढ़ चुका है और ये 7 दिनों में 11.2% डाउन गया था। लेकिन अभी देखें तो इसकी करंट कंडीशन चल रही है, जो प्राइस चल रही है $26,073 पे चल रहा है। बात करें तो भाई 1664 पे हमारा इथेरियम चल रहा है, जो 0.5% डाउन जा चुका है। बीएनबी $209 पे चल रहा है, XRP $0.51 पे चल रहा है। यहाँ पे देखें तो कार्डानो 0.26 पे चल रहा है। तो इस तरह ओवरऑल जो इनकी मार्केट है वो हमें मूव करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पे अगर हम बात करें फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को लेके, तो भाई वो आज 37 स्कोर के साथ हमें फेयर में देखने को मिला है, जो कल 38 स्कोर के साथ फेयर में था। लास्ट वीक की बात की जाए तो भाई 53 स्कोर के साथ हमें एक न्यूट्रल पोजिशन में भी देखने को मिला था, और लास्ट मंथ की बात करें तो भाई 54 स्कोर के साथ एक न्यूट्रल कंडीशन में भी हमें ये देखने को मिला था। तो ये ओवरऑल मार्केट के हालात हो चुके हैं। वहीं पे अगर हम बात करें फ्लोकी इनू को लेके, तो भाई फ्लोकी इनू भी तकरीबन 164 नंबर पे रैंक कर रहा है, 0.40 के बाद 1831 इसकी करंट प्राइस चल रही है। 2% भी 24 घंटों में ये डाउन जा चुका है। बाय द पेरा बीटीसी ये 2% डाउन जा चुका है, और इथर के हिसाब से ये 1.4% जो है ऑलरेडी डाउन जा चुका है। देखें तो ये अपने ऑल टाइम हाई से 94.55% डाउन है, जो इसने November 4, 2021 को बनाया था। हमने देखा कि ये जो साल था फ्लोकी इनू के लिए काफ़ी एक अच्छा साल था, क्योंकि इस साल जो फ्लोकी था जो बाइनेंस जैसी बड़ी एक्सचेंज पे हमें लिस्ट करता हुआ दिखाई दिया था, तो वहीं पे हमने देखा है। उसके बाद भी जो फ्लोकी की प्राइस में उस वक्त जब लिस्टिंग हुई थी तो हमें एक अच्छी खासी चेंज देखने को मिला था। लेकिन फिलहाल जो है फ्लोकी इनू की जो प्राइस है वो काफ़ी अच्छे से मूव नहीं कर रहे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एनुअली बेसिस पे ये 68% बढ़ा है, लेकिन 30 दिनों में 23% डाउन जा चुका है, 14 दिनों में 16% और 7 दिनों में 22% जो है वो ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड की तरफ जो हमारा जो कॉइन है वो जा चुका है। तो वहीं पे अगर हम बात करें मजीद लेके, तो भाई क्या क्या अपडेट्स हमें देखने को मिल रही है फ्लोकी इनू को लेके, तो भाई हम आ चुके हैं फ्लोकी इनू के ट्विटर के हैंडल पे। जी बिल्कुल, रोड मैप पे तो इनका भाई फ्लोकी इनू की काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, जिसमें हमें मिस्ट्री प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, जो काफ़ी गेम चेंजिंग साबित हो सकता है, क्योंकि अभी कोई भी नहीं जानता कि वो मिस्ट्री प्रोजेक्ट क्या होने चाह रहा है। इसके बाद यहाँ इन्होंने गेम का जो एक नया पेज रिलीज़ कर दिया है, तो अगर आप भी वलाला गेम्स खेलना चाहते हैं तो कंप्लीट योर सेट। जी बिल्कुल, आपको वलाला.गेम पे जाना है, तो वहाँ पे आप सक्सेसफुली जाके जो गेम वगैरह है उसको आप इजीली जो है कनेक्ट वगैरह कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। तो वहीं पे अगर यहाँ पे मैं मजीद बात करूँ लेके, तो भाई यहाँ पे जो फ्लोकी इनू तकरीबन जो 500K+ फॉलोवर जो है उनके एक्स पे हो चुके हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है कि भाई फ्लोकी इनू के जो ट्विटर के हैंडल पे जो हमने देखा, अब आई डोंट नो उसको ट्विटर कहें या एक्स कहें, तो भाई एक्स ही कहेंगे क्योंकि अभी इसका नया नाम तो यही है, तो भाई एक्स पे इसके तकरीबन 500K फॉलोवर्स हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया सी चीज़ देखने को मिल रही है कि भाई इसकी जो कम्युनिटी है वो दिन ब दिन ग्रो कर रही है। वहीं पे अगर मैं मजीद बात करूँ तो भाई यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था फ्लोकी इनू का नया जो वलाला का जो पेजेस वर्जन देखने को मिल रहा है, उसके बाद हमने देखा कि भाई इसका जो काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, आए दिन ये हमें ट्रेंडिंग में भी देखने को मिलता है, और रिसेंटली एनी क्वाइन पे हमने देखा था कि फ्लोकी इनू की हमें लिस्टिंग भी देखने को मिली थी। तो उसके बाद हमने देखा 19 अगस्त को हिमिटेंट डे भी फ्लोकी इनू ने सेलिब्रेट किया। तो फ्लोकी इनू ओवरऑल काफ़ी अच्छी चीज़ें कर रहा है, सोशली भी एक्टिव है, गिव अवेज भी कर रहा है, एडॉप्ट भी कर रहा है, तो इस तरह की सारी सोशली इंगेज चीज़ें हमें फ्लोकी इनू में देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल हम कोई इतनी बड़ी बुलरन फ्लोकी इनू से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्लोकी इनू जो अभी इतना कोई मेन चीज़ हमें नहीं देखने को मिल रही जो फ्लोकी इनू को जो पकड़ के करें। लेकिन मैं दूसरे मीम्स कॉइन के हिसाब से बात करूँ तो फ्लोकी मुझे काफ़ी एक अच्छा प्रोजेक्ट लगता है, क्योंकि ये डीफाई को टारगेट करता है, यूटिलिटी करता है, चैरिटी करता है, तो इनके यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर सिंपल कहूँ तो इसके पास कम्युनिटी है, यूटिलिटी है और चैरिटी है, इसी वजह से यही चीज़ है जो फ्लोकी इनू को काफ़ी आगे लेके जाएगी। तो दोस्तों मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है। प्लीज़, थैंक यू।